आप सभी का ऑनलाइन दुकान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोटो को गूगल पर पोस्ट कर सकते हैं या फिर अपने फोटो को गूगल पर शो करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा अपना नाम राहुल सिंह ऑनलाइन दुकान नाम से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्च कर दिया है। और सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा इमेजेस पर। इमेजेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल सिंह ऑनलाइन दुकान। सर्च करने पर मेरा यहाँ पर फोटो सबसे ऊपर गूगल पर शो कर रहा है। ऐसे आप देख भी सकते हैं, नाम शो कर रहा है मेरा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अपना फ़ोटो जो है गूगल पर शो कराना है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो गूगल पर फोटो पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी फेसबुक पेज की। तो आपको फेसबुक पेज कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर ऑन करना है फेसबुक ऐप को। ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा पेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गेस्ट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी नाम से अपना फ़ोटो जो है गूगल पर शो कराना चाहते हैं, आप वही नाम यहाँ पर डालिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राहुल सिंह ऑनलाइन दुकान। और फिर यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट करने लिए अपनी पेज की कैटेगरी। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर आप अपनी कोई भी वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ से आई डोंट हैव अ वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल जो पिक्चर ऐड कर लेनी है, तो मैं यहाँ से जल्दी से ऐड कर लेता हूँ प्रोफाइल पिक्चर को। दोस्तों, प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेज जो है बन चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी फोटो को आप गूगल पर शो कराना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करिए। क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो वीडियोज पर क्लिक करिए। तो यहाँ से आप कोई भी फोटो जो है सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप गूगल पर शो कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही एक दो पोस्ट करे हुए थे, जैसे कि मैंने ये वाला फोटो पोस्ट किया है। और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपके पेज को बहुत ज़्यादा लाइक होंगे तभी आपको फोटो जो है गूगल पर शो करेगा। दोस्तों, क्रिएट पोस्ट करने के बाद जो भी फोटो आप जो है पोस्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट का वेट करना है। उसके बाद आप सीधे यहाँ पर जाइए गूगल पर। और गूगल पर आप जिस भी नाम से आपने पेज बनाया था उसे सर्च करेंगे तो आपका फोटो जो है यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया था राहुल सिंह ऑनलाइन दुकान नाम से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा फोटो शो कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरे फोटोज आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ऑल पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो है पेज भी शो कर रहा है गूगल पर। दोस्तों, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी पेज का आप जो नाम बनाएं वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, वरना आपका जो फोटो गूगल पर शो नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रही है हमारे साथ, फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.